आज देवास जिले के लगभग 1035 किसानों को दिए गए मध्य प्रदेश शासन के आदेश को पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने तुगलकी आदेश बताया और कड़े शब्दों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया। इसी साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह तो मैं देवास जिले के किसानों की बात कर रहा हूं, पता नहीं मध्य प्रदेश के कितने किसानों को इस तरह का आदेश दिया गया होगा। उक्त आदेश के खिलाफ सज्जन वर्मा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इस तरह के आदेशों को वापस लेने की बात कही। देवास जिले के लगभग 1035 किसानों को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तुगलकी आदेश दे दिया है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों के साथ साथ इस देश के किसानों को भी बताना चाहता हूं कि ऐसा तुगलकी आदेश आज़ादी के बाद से आज तक किसी अतताई मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। किसानों को कहा है, डेढ़ महीने पहले जो फसल गेहूँ की उन्होंने बेच दी थी सरकार के कहने पर, उन फसलों को, उस गेहूं को अब तुगलकी आदेश निकाल के शिवराज चौहान कह रहे हैं कि अपने अपने गेहूं ले जाओ। ये बिके हुए गेहूं को ना उनका डेढ़ महीने से पेमेंट हुआ ना कुछ हुआ, उनके खजाने में गेहूं चला गया। अब कह रहे हैं कि अपना अपना गेहूं ले जाइए, हमें गेहूं नहीं, आपका गेहूं नहीं लेना है। एक किसान किन परिस्थितियों में जिंदा है, शिवराज चौहान जैसे ढोंगी किसान पुत्र कहलाने वाले लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसान की जिंदगी कितने संकट में है। मैं विरोध करता हूं, शिवराज चौहान वापस लीजिए इस तरह का आदेश और उन किसानों की राशि वापस करिए। मध्य प्रदेश में पता नहीं कितने किसान होंगे, ये तो मैंने देवास जिले का कहा कि लगभग 1035 किसान, पूरे प्रदेश में जाने कितने किसानों को तुम आत्महत्या की तरफ ढकेल रहे हो, ये पाप शायद तुम झेल नहीं पाओगे। तत्काल ये तुगलकी आदेश वापस लीजिए।